वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास यूकेजी की रीडिंग बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने पढ़ लिया था, अब हम आते अह। इस अह की मात्रा कहा जाता है, देखिए आप इसे अह की मात्रा। न म छ छ, न म छ आ गया, न म। तो देखिए पढ़े तथा समझ, ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए स्वांत अंत, प्रया प्रया अंत, क्रमस सो सम, ये माँ ये आम की बिंदी लगी, सम भव तो संभवत, प्रात पूर्ण साधारणता साधारणत, ठीक है। हमें इस किस तरह से पढ़ना ये बता दिया मैंने आपको। अब हम आते वाक्य पढ़ना है, अब हमें सिर्फ इसे पढ़ना है। तो देखिए, राजा बाजा बजा, राजा बाजा सिर्फ आ की मात्रा वाले है, ये फर्स्ट फ्री वाली शुरू हो गई है। दिन निकल आ या, मीठी मीठी चीनी खा, क्योंकि हमने मात्रा वाले शब्द पढ़ लिए तो ये तो पढ़ना हमें आ जाना चाहिए। बुल बुल गीत सुना, पू नम झूला झूल, रमेश सेब लेकर आया, सैनिक थैला लाया, मोहन ढोलक बजा, रौनक औषधि ला, कंचन अंगूर चख, अमर प्रता उठ। तो देखिए ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, तो देखिए हम यहाँ से तो कंप्लीट कर लेंगे, पर ये तो हमने कंप्लीट किया है, पर ऐसी बात नहीं है। पर इसमें एक बात ज़रूर सुने बच्चों, कंप्लीट तो हुआ है ना ये। तो देखिए हमें इसे छोड़ना नहीं है, हमें अपनी कॉपी में लिखते रहना, ये सारे वर्ड लिख लिख के इस पे ऊपर प्रैक्टिस करते रहना। ये देखिए इधर सारे वर्ड लिखना है, उधर वाले सारे वर्ड लिखना है ना। तो हमें यहाँ तक हमारा एंड हुआ। तो देखिए बच्चों, आप फिर से एक बार पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, हमें पढ़ना यही है और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए। राजा बाजा बजा, दिन निकल आ या, मीठी मीठी चीनी खा, बुल बुल घी सुना, पूनम झूला झूल, रमेश सेब लेकर आया, सैनिक थैला लाया, मोहन ढोलक बजा, रोहन औषधि ला, कंचन अंगूर चख, अमर प्रता उठ। तो बच्चों यहाँ तक हमारा हिंदी कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट इज हिंदी इज कंप्लीट, सब्जेक्ट हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ हिंदी। तो आइए बच्चों मैं आपको बताती हूँ राइटिंग किस तरह से की जाती है। क्लास यूकेजी की राइटिंग बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि कैसे लिखना है, जी यू एन गन होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ई वी नहीं लिखना, हमें जी यू एन गन लिखना है। तो ये वाला हमने बता दिया था कि हमें ए ई आई ओ यू। तो देखिए जी यू एन गन, तो देखिए जी यू एन गन, गन मिस होती है बंदूक। तो देखिए हमें इस तरह से लिखना है, और मैंने आपको कुछ वर्ड बता दिए थे और कुछ आपको कंप्लीट करना था। तो आज हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यूज ऑफ इट, मतलब हमें इट का यूज करना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इट, मतलब हमें इसे इट लगाना है। ये देखिए खाली इन सब में हमें इट लगाना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर इट लगाइए, इट ये देखिए इट ये वाला है, देख सकते हैं आप, ये देखिए आई और टी इट, आई और टी इट, इसे मैं बता रही हूँ इट। तो देखिए यहाँ पर हमने इट लगा, इट इज अ बैट, यहाँ एक बल्ला है। इट इज नॉट अ हैट, हैट तो यहाँ एक हैट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको एच ए टी हट, हट मिस होती है झोपड़ी, एच ए टी। तो देखिए हट, हट मिस होती है झोपड़ी। तो देखिए
एच यू टी हट, हट मिस होती झोपड़ी, सॉरी ए बोल दिया था, आई एम सॉरी सॉरी, एच यू टी होती हट। तो ये तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ वर्ड हमें इसमें से भी मिल जाएंगे अब अगर हम इधर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम आते हैं इट। इट इज अ फॉक्स, यह है एक लोमड़ी है, पर इट इज इट, यहाँ पर इट लगाना हमें यूजिंग ऑफ इट, तो हमें ईट लगाना है। तो इट इज नॉट अ बॉक्स, यहाँ एक बॉक्स नहीं है। इट इज अ पैरोट, यहाँ एक बताइए, यहाँ एक तोता है। यहाँ पर वापस इट लगाइए, इट इज नॉट अ रैबिट, यहाँ एक खरगोश नहीं है। तो देखिए इट इज एन एप्पल, मतलब यहाँ एक एप्पल है। तो यहाँ पर वापस ईट ला, ईट सभी बक्सों में हमें ईट लिखना है, ये देखिए ना खाली जगह है सब पे। ईट इज नॉट एन ऑरेंज, यहाँ एक ऑरेंज नहीं है। तो इट इज अ कार, यहाँ एक कार है। इट इज, यहाँ पर ईट लिखना है, इट इज नॉट अ जीप, यहाँ एक जीप नहीं है। अब देखिए इट इज अ बैग, यहाँ एक बैग है, पर वापस से ये इट इज नॉट अ टैग, यहाँ टैग नहीं है। तो यहाँ पर टैग नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, तो देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ा दिए सारे सेंटेंस किस तरह से, और इसे कंप्लीट भी करना बता दिया। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर ईट लगा, इट इज़ अ बैट, इट इज़ अ बैट, ईट यहाँ पर भी ईट, यहाँ पर भी ईट, ईट 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 ईट, पूरे परफेक्ट तरीके से लिखना है, कंप्लीट करना है, और अपनी कॉपी में भी लिखना है, और इसे पढ़ पढ़ के हमें ट्राई करते रहना है। तो गुड बाय बच्चों, हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।